12,000 रोड पर हैवी ट्रैफिक की आमद की वजह से इंसानी जिंदगी खतरे में। हैवी ट्रैफिक की वजह से 100 से ज्यादा इंसानी जानें जा चुकी हैं। इस हैवी ट्रैफिक को कंट्रोल करना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है। इन हादसात की FIR उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने फराइज में कोताही कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो खुश आइंद है कि ये मसला असेंबली के फोरम पर जनाब सैयद हाशिम रजा जिलानी ने उठाया। नोटिस नंबर 42 ऑफ 2019 गिवन नोटिस ऑफ बाय सैयद हाशिम रजा MP। थैंक यू सो मच चेयरमैन साहब और विल द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट सिंध में प्लीज टू गिव आंसर स्टेटमेंट दैट इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर PS94 there has been working for the construction at the road of 8000 due to this work all the heavy traffic shifted at the road of 12000 road and this is residential area caused dangerous accident so what time and action has been taken by the government in this regard chairman sir aur main local government minister Nasir Hussain Shah se आपके इल्म में भी लाना चाहूँगा। इससे पहले एक्स मिनिस्टर हमारे सईद गनी साहब थे, मैंने उनके भी इल्म में ला चुका हूँ। CM साहब थे, उनके भी इल्म में ला चुका हूँ कि ये जो 12,000 रोड है ये प्योरली रेजिडेंशियल एरिया है। इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेज हैं, बाबर मार्केट एक एशिया की बड़ी मार्केट है और 6 नंबर मार्केट है और ये टोटली रेजिडेंशियल एरिया है। लेकिन 8,000 रोड जो फ्यूचर कॉलोनी मानसरा वाला रोड डिस्ट्रिक्ट मलीर में आ रहा है वो गुज़िश्ता कई सालों से पेंडिंग में उसका वर्क पड़ा हुआ है और वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से सारा हैवी ट्रैफिक वो रेजिडेंशियल एरिया 12,000 रोड पर मूव हो रहा है। मैंने एक्स मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को कई बार हादसात के हवाले से बतलाया भी, उन्हें कॉल भी की। मैं समझता हूँ 100+ कैजुअल्टी वहाँ पर हो चुकी हैं, हादसात हो चुके हैं जिसमें से 10 से 12 जाने भी जा चुकी हैं। सेकेंड लास्ट टाइम एक बच्चा बजाज उसका इंतकाल हुआ था, उस पूरी बॉडी उसकी कुचल दी गई थी और उसके वालिद के सामने उसकी डेड बॉडी को शॉपर में डाला जा रहा था। मैं समझता हूँ ये दर्द वो समझेगा मेरे जैसे एक मेंबर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ने जाके उसको गले लगाया तो मेरे अंदर से अल्फाज नहीं थे कि मैं उसको किस तरह तसल्ली दूँ, क्योंकि जिस ऐवान में मैं बैठा हुआ हूँ ये वो ऐवान है जो बाहर बैठा हुआ शख्स समझता है कि वो ऐवान है जिसमें यहाँ पर हर बंदा जो है इतना कैपेबल है कि वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन हम अपनी बेबसी किसके आगे रोएं? अभी लास्ट टाइम गुज़िश्ता 6 दिन पहले दाउचरंगी के अंदर एक और हादसा हुआ है कि वही हादसा कि सिर्फ बाइक पे अपने बेटे को खड़ा करके वो गया है, शख्स वापसी आया तो पूरी गाड़ी रोन के जा चुकी थी उसको, और वो हादसा मेरी अपनी होम यूसी के वाकया था। इससे पहले कई वाकयात हो चुके हैं कि पूरी मजदा पूरी जो है वो शिजोर पूरी सुजुकी जो है वो घरों में घुस चुकी है। ट्रॉलर जो है वो नाले पे बैठे हुए रात में शख्स बैठा हुआ अपने बातें कर रहा है वो कुचल के चल के नाले में गिर गया है, ट्रॉलर जाके घुस गया। मैं हर हादसे के बारे में यहाँ पर बतला चुका हूँ, अभी फिर वहाँ पर हादसात हो रहे हैं और 12,000 रोड बिल्कुल न्यू बना था, अभी आज उसकी हालत जाके देखें जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं क्योंकि उस पर हैवी ट्रैफिक 42 व्हीलर 36 व्हीलर उस पर इतने हैवी ट्रैफिक चल रहे हैं। काइंडली खुदारा हाथ जोड़ के कह सकता हूँ क्योंकि मैं फेस कर रहा हूँ वहाँ के लोगों को, क्योंकि रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलेज है, जब वो 12,000 रोड बन रहा था इस तरफ और इस तरफ दोनों आए लेफ्ट और राइट साइड पे स्कूल है, उस पर पेडिस्टल ब्रिज लगा हुआ था। जब वो रोड बन रहा था तो वो पेडिस्टल ब्रिज निकाला गया, वहाँ के वो खस्ता हालत में था लेकिन वो दोबारा नया नहीं लगा। आज भी वो वैसे ही बच्चे रोड क्रॉस करते हैं और कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस रोड पर, कोई जो है वो मैं जंप नहीं है, कोई भी गाड़ी आती है वो निकल जाती है। मैंने SSP IG सबको लेटर लिखे कि जो हैवी ट्रैफिक है ये डिस्ट्रिक्ट मलीर से आ रहा है और ये इसको वो जो है वो शाम के टाइम 4 बजे 3 बजे वो हैवी ट्रैफिक मूव हो जाता है 12,000 रोड पर, या तो कम से कम इतना तो करें कि जब तक वो रोड नहीं बन रहा 3 बजे के बाद 2 बजे के बाद इस हैवी ट्रैफिक को यहाँ से मूव किया जाए। उस पर बहुत रश होता है, मार्केट्स हैं उसके अंदर, इंस्टीट्यूशंस है, हॉस्पिटल है, सिंध गवर्नमेंट का अपना हॉस्पिटल आ रहा है उसके अंदर, प्राइवेट जितने हॉस्पिटल्स आ रहे हैं लेकिन वो वैसी का वैसी वहाँ पर जो है वो सारे ट्रैफिक उस पर मूव हो रहा है। मैं उम्मीद करूँगा नासिर शाह साहब से कि वो इस पर जल्द जो है वो अहकाम सादिर करेंगे ताकि 8,000 जो रोड डिस्ट्रिक्ट मलीर में आ रहा है
वो जल्द से जल्द वो जो है वो कंप्लीट हो। असेंबली के फोरम से बात करना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ लांडी कोरंगी के एमपीएस और एमएनएस को यकजा होकर आवाम की जान के तहफ्फुज के लिए सड़कों पर पुरअमन तरीके से निकलना चाहिए, क्योंकि हैवी ट्रैफिक का मसला सीधी उंगली से हल होता नजर नहीं आ रहा है। आज जेडी न्यूज की टीम की मौजूदगी में बाबर मार्केट पर रेंजर्स की जानिब से सफाई मुहिम का आगाज किया गया, तो वहां पर मौजूद जनाब उस्मानुल हसन जस्टिस ऑफ पीस ने बात करते हुए कहा, हमने यहाँ पे हैवी ट्रैफिक के सिलसिले में एक सीपी फाइल की थी जिसका नंबर है 445/19 जी सर, और अभी हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने मुख्तलिफ इदारों से जवाब तलब किया है उसका, और 24 अक्टूबर को वो दोबारा लगी हुई है, और इस सीपी को फाइल हुए तकरीबन 3 महीने हो गए, और 2018 से 2019 तक कमोवेश 1800 से लेकर 1900 हलाकतें ज़िला कोरंगी में पेश आ चुकी हैं, जो जिसका रिकॉर्ड जिन्ना अस्पताल की इमरजेंसी में भी मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड एसएसपी कोरंगी के पास भी मौजूद है। तो मेरी गुजारिश तमाम यहाँ के अहबाब से बींग जस्टिस ऑफ पीस भी यही रहती है कि अपनी अपनी जो भी इंक्रोचमेंट का मामला है जो उनकी दुकानों के आगे है वो खुद समेट लें। अभी यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स के डीएसआर जावेद साहब अपनी मदद आपके तहत इसी वजह से ये कार्रवाई कर रहे हैं, और साथ में केएमसी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट जो कि इन लोगों का पोर्टफोलियो भी नहीं है ये काम करने का, वो ये काम इस वजह से कर रहे हैं कि हलाकतें मजीद ट्रालों के ज़रिए ना हों। 11,000 रोड पर चूँकि अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाए तकमील तक भी पहुँचेगा अगर लोग ईमानदारी से काम करेंगे, तो इंशाल्लाह बस हमारी दुआ ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मज़ीद ट्रालों के हादसा से तमाम लोगों की जानों को महफूज रखे, मगर हमारा अपना भी ये किरदार होना चाहिए इस काम में, लांडी के आवाम होने के नाते ज़िला कोरंगी का वसूल होने की खातिर के हम लोग अपनी सेफ्टी खुद भी करें, क्योंकि अगर हम अपने घरों के आगे मज़ीद जगह घेरने की कोशिश करेंगे, अपनी दुकानों के आगे जगह घेरने की कोशिश करेंगे, मज़ीद अपनी जो गाड़ियां हैं वो ट्रैफिक को ऐसी जगह पे खड़े करेंगे जो कि रोड को रोकने का बायस बनेगा, जिससे बड़े ट्राले हादसे करते हुए आए हैं और करते चले जाएंगे, उनको रोकने का आसान हल ये भी है कि हम अपने जो दुकानों से आगे का हिस्सा है वो अपनी दुकानों के अंदर कर लें, जो हम दुकानों के बाहर चीज़ें निकाल के रखते हैं अपनी गाड़ियां खड़ी करते हैं वो हम अपनी साइड पे खड़ी कर लें, ताकि जो 12,000 रोड है वो क्लियर हो जाए, ट्रालों का जाने का रास्ता आसान हो गया। मगर अब मैं डिप्टी कमिश्नर मलीर के पास खुद जाऊंगा कल, और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लांडी 89 पे जो पेट्रोल पम्प है उसके सामने भुट्टो नगर का एरिया है जहाँ से डबल लोड जा रहा है, अगर ये 12,000 रोड पे लाने के बजाय उस भुट्टो नगर को क्लियर करवा के उसकी इंक्रोचमेंट को साफ़ करवा के उधर से ट्रैफिक को परसू करते हुए मुर्तजा चौरंगी तक जाए, तो हमारा ये 12,000 रोड जो बाबर मार्केट से गुजरता है जहाँ पे बहुत सारे हादसा अब तक हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह उन हादसात में कमी नहीं बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएंगे, क्योंकि ट्रैफिक सारा मूव हो जाएगा भुट्टो नगर से। बिल्कुल ठीक है। ये मैं सजेशन कल डिप्टी कमिश्नर कोरंगी को जाके दूंगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। इस मौके पे एसओ लांडी ने भी बात की। सर यहाँ पे जो ये रोड जाम रहता है मुसलसल, रक्षा पार्किंग मुसलसल, जिस जब भी यहाँ कभी किसी का चक्कर लगता है वो यही देखता है कि जो यहाँ पे रोड जाम है। जी यार, हम लोग बैठे सुबह दिन रात कोशिश करते हैं कि रोड पार्क ना हो, लेकिन ये रोड तंग होने की वजह से, मार्केट की वजह से रक्षे पैसेंजर उठाने और ले आने में थोड़ा प्रॉब्लम करते हैं, बराबर उसको हम सेट कर लेंगे। सही सर, तो यहाँ पे जो है पीछे मार्केट, बाहर मार्केट के पीछे जो एक बहुत बड़ा मैदान है, ग्राउंड है, जिसके अंदर जो है आप रक्षा पार्किंग बना सकते हैं, इस मसले को हल इस तरह किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन वहाँ ये जाते नहीं है, बोला वो दूर है, वहाँ पैसेंजर नहीं आते। तो ये तो फिर आप कानून वाले हैं, आप अगर आपके आदमी नहीं तो किसके आदमी है ये? तो ये आप ही करेंगे ना काम? तो हम चालान करते हैं, फिर उनके चालान करते हैं, जो वन में भी आता है उनकी FIR कटाते हैं, 99 करते हैं उनके खिलाफ़।